स्वागत करता हूँ आपके नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आया हूँ जौबेपुर अपनी नानी का 4 से 5 साल बाद। देखिए कुछ ऐसा घर बना है। तो हम लोग जा रहे हैं श्री नूनेश्वर महाराज जी के दर्शन करने, जो कि जौबेपुर का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और प्राचीन मंदिर भी है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ के सारे व्यू आपको अच्छे से अच्छे दिखा सकें। फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं हाईवे पे। ये देखिए हाईवे किनारे का कुछ व्यू, नूनेश्वर महाराज के दर्शन करने जाते समय की क्लिप। देखिए अगल बगल का कितना अच्छा है, गाँव की बात अलग होती है। यहाँ की जो मिट्टी खुशबू है, हवा में जो महक है और जो सन्नाटा है भाई, आ चुके हैं। देखिए नूनेश्वर महाराज जी के दर पे, जिन्होंने हमको अचानक से दर्शन करने के लिए बुलाया है। शायद ब्लॉग शूट करने के बहाने बुलाया है, कुछ भी हो दर्शन तो आज देंगे वो। ये बगल में देखिए बजरंगबली बाबा का मंदिर है और इसके अगल बगल काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। छोटा मोटा इसको बोल सकते हैं, जंगल झाड़ियाँ। ये देखो भाई तगड़ा है, काफ़ी नीचे है, ये देख सकते हैं आप। नूनेश्वर महाराज जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जौबेपुर में फेमस और सबसे पुरानी एंटिक जिम, जो वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट और देसी हैं और लकड़ी के हैं। सबसे बड़ी बात लकड़ी से बनाए हुई है और वहाँ जूस, दूध और भी फल की सब व्यवस्था है भाई। काफ़ी एंटिक एक बंदे ने अपने हाथों से बनाया है, आपको अभी थोड़ी देर में